हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार इन्फिनिटी कोचिंग फॉर बिजनेस से। देखिए, हम लोग एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि बीएससी भी हो सीबीएसई हो कि लास्ट टेंथ का और नाइन्थ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसे में क्या होता है, कभी कभी कंसेप्ट हमारे पास में नहीं हो पाता जिसके कारण नहीं बना पाते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को आपको सबसे पहला चीज़ है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब और जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों को शेयर करना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। बेटा देखिए, कितना बड़ी बढ़िया बात बताया गया है कि रूट फाइव जो होता है वो ऐसे ही खुद ब खुद अपरिमेय संख्या है ना। अब इसको बोला जा रहा है, सिद्ध भी कीजिए कि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। तो कुछ हम लोग इतना दूर का जो लैंग्वेज है ना वो लिख करके इसलिए रेडी कर दिए क्योंकि आपका समय बर्बाद नहीं हो। हम ये चाहते हैं कि आप कम समय में बहुत अधिक पढ़ें, है ना। और MBA भी बचाना है, इन्फिनिटी पेज को लाइक भी करना है और इन्फिनिटी का वीडियो भी देखना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। पहले सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे बोला जा रहा है सिद्ध करेगी रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। कंसेप्ट क्लियर है कि रूट फाइव तो अपरिमेय संख्या होता ही है, लेकिन बेटा बोला जा रहा है इसको अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। तो आपको लैंग्वेज में लिखना है, माना कि रूट फाइव एक परिमेय संख्या है। माना कि रूट फाइव एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय लिखना है। लिखना है क्या इसका, परिमेय। देखिए, विरोधाभास कर दिया गया, मतलब वो क्या होता है, विरोधाभास का लैंग्वेज मतलब होता है उसका अपोजिट कर देना। अब परिमेय रहेगा तो परिमेय बैठा देना है। बात समझ में आ गई। अब देखिए, हो गया। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं रूट फाइव बाय वन। क्यों? क्योंकि हम जानते क्या है, रूट फाइव जो होता है और रूट फाइव के नीचे में यहाँ पे वन छिपा होता है, और ये किस फॉर्म पे होता है, पी बाय क्यू के फॉर्म पे होता है। किस फॉर्म पे होता है, पी बाय क्यू के फॉर्म पे होता है। तो रेशनल नंबर यही होता है जो पी बाय क्यू के फॉर्म पे होता है वही रेशनल नंबर होता है, और क्यू का वैल्यू जिसका जीरो नहीं होता है वो नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या कहलाता है। तो सेम क्वेश्चन है, उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। रूट फाइव को क्यू के साथ में मल्टीपल कर दिया, वन को पी के साथ में मल्टीपल कर दिया। तो रूट फाइव को क्यू के साथ में मल्टीपल करते हैं तो रूट फाइव क्यू हो जाता है, वन को पी के साथ में मल्टीपल करते पी हो जाता है। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे लिख दिए हैं, एक लैंग्वेज और यूज किए हैं, स्क्वायरिंग ऑन दी बॉथ साइड। मतलब ये जो है ना उसका हिंदी जस्टियाँ लिखे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने का मतलब क्या होता है, जो यहाँ का जो वैल्यू होता है रूट फाइव क्यू और पी जो है, ये दोनों को वर्ग करने, मतलब स्क्वायर बैठाना। यहाँ पर लिखे भी है ना, स्क्वायरिंग ऑन दी बॉथ साइड, मतलब दोनों पक्षों को वर्ग करने पर। इस टाइप से हो गया, पी स्क्वायर का पी स्क्वायर, रूट फाइव क्यू होल स्क्वायर। वही सेम चीज़ को हम उतार दिए, इसको थोड़ा सा चेंजिंग करके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, तो लिख देते हैं हम इसको क्या, पी स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, फाइव क्यू स्क्वायर। अब बोलिए, यहाँ पे तो रूट है, तो रूट के साथ में यहाँ पे फाइव क्यों आ गया, रूट कहाँ गया। और एक लाइन फिर से समझिए, ये जो रूट होता है ना, ये रूट जो है, इस रूट का जो वैल्यू होता है पावर वन बाय टू होता है। क्या होता है, पावर वन बाय टू होता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, समझिए, रूट फाइव स्क्वायर में दिया हुआ है, मतलब ये क्यू का भी स्क्वायर है और रूट फाइव का भी स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। तो रूट फाइव का स्क्वायर करने का मतलब ये फाइव का फाइव उतार दीजिए, यहाँ पे पावर क्या है, टू है, पावर टू डाल दिए। ये जो रूट होता है, ये रूट का वैल्यू अभी हम जस्ट बताए, क्या बताए थे, पावर वन बाय टू, तो ये टू टू के साथ में टू कैंसिल हुए, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होता है, फाइव आता है। तो वही फाइव आ गया यहाँ पे। क्लियर हो गया। अब लिख सकते हैं पी स्क्वायर इक्वल टू फाइव क्यू स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है क्या, पी स्क्वायर, ये फाइव को क्या करिए, यहाँ नीचे ले आइए। क्यों लाते हैं वो भी बताते हैं, इक्वल टू क्यू स्क्वायर, है ना। अब आप समझिए पहले बात को, क्या होता है, कोई भी मल्टीपल्स जो होता है वेरिएबल के साथ में जब वर्क करता है, जैसे 5m इक्वल टू 4, तो 5m का मतलब ये होता है 5 इंटू एम इक्वल टू 4, है ना। अब देन m इक्वल टू 4 बाय 5, मल्टीपल का जो साइन होता है वो मल्टीपल बिकम्स डिवाइड, मतलब मल्टीपल का साइन बराबर के जैसे अपोजिट आता है तो वो डिवाइड का साइन लेता है। किसका साइन लेता है, डिवाइड का साइन लेता है। फिर समझिए, जैसे 2m इक्वल टू 2 रहेगा, 2m इक्वल टू 12 रहेगा, तो लिखिएगा m इक्वल टू 12 बाय 2। तो ये समझने वाला बात है। तो उसी टाइप से यहाँ पे क्या था, 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, है ना। तो अब इसको क्या लिखिएगा, q स्क्वायर का q स्क्वायर, और ये किस में है, मल्टीपल में, तो मल्टीपल बिकम्स क्या होता है, डिवाइड, तो पी स्क्वायर बाय 5। तो उस टाइम पे ये वर्क कर गया। तो इसको आप लिख देंगे क्या, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 5। सेम चीज़ है, कहीं कोई चेंजिंग नहीं है। हो गया यहाँ तक। जब यहाँ तक हमारा हो जाता है तब लिखिएगा, यहाँ तक में कहीं दिक्कत नहीं है, तब लिखते हैं हम लोग
तब यहाँ तक जैसे हमारा सेटअप हो जाता है बढ़िया से, है ना। तो ये तो हमारा इक्वेशन, पहला वाला इक्वेशन बन गया, ये दूसरा इक्वेशन बन गया था। अब लैंग्वेज में लिखते हैं, चूंकि ये देखिए पी स्क्वायर बाय फाइव, मतलब पी स्क्वायर बाय फाइव, देखिए इसको क्या लिखते हैं, लैंग्वेज में लिख देना है सिर्फ एक लाइन, पी स्क्वायर जो संख्या है वह पाँच से विभाज्य है, विभाज्य है या फिर विभाजित है, विभाज्य है। तो पी भी संख्या पाँच से विभाज्य, यहाँ तक हो गया लैंग्वेज जब हम लिख देते हैं। अब फिर यहाँ पर लिखना है, माना इसी टाइप से लिख दीजिएगा, माना कि P इक्वल टू फाइव, यहाँ पे M मानिए, K मानिए, N मानिए, कुछ भी अल्फाबेट कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो P इक्वल टू फाइव है, मतलब P जो है 5 एम के बराबर में, बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या था, Q स्क्वायर था, यही था ना, तो लिख दिए Q स्क्वायर, और P स्क्वायर का वैल्यू क्या है, P स्क्वायर का वैल्यू क्या मान लिए हैं, P का वैल्यू क्या माने हैं, 5 है, तो 5 एम का स्क्वायर बाय 5, क्लियर हो गया। अब लिखिएगा Q स्क्वायर इक्वल टू 25, ये सॉरी P स्क्वायर है ना, 25 एम बाय 5, ये 5 के टर्म से 5 काट दीजिए। अब लिख सकते हैं यहाँ पे Q स्क्वायर टू इक्वल टू 5 एम, क्लियर हो गया, Q स्क्वायर टू 5 एम। अब लिखिएगा यहाँ पे क्या, फिर मल्टीपल बिकम्स डिवाइड, एम इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 5, समझ में आ रहा है, एम इक्वल टू ये 5 को क्या किया, डिवाइड में लिया है, यहाँ पे लिख दिए। फिर से आप वही लैंग्वेज लिख दीजिए जो पहले अभी जो लिखा है था, जस्ट जब क्यू 5 से विभाजित है, क्यू 5 से विभाजित है, तो क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगी। यहाँ तक उतार दिए, आप इस नोट्स को बढ़िया से उतार लीजिए पहले समझ करके, कहीं भी दिक्कत होगा तो पूछिएगा, आप कमेंट करके जरूर हमसे पूछिएगा। हो गया, अब लास्ट लैंग्वेज जो होता है इसका, जो अब बताएंगे कि कैसे ये अपरिमेय संख्या होता है, तो पहले ही हम कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं कि रूट फाइव, रूट टू, रूट थ्री, रूट सेवन, इस पैटर्न का कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आपको सिर्फ ये नंबर को चेंज कर दीजिए। यहाँ पे रूट टू पूछेगा तो यहाँ पे रूट टू लगा दीजिएगा, यहाँ पे रूट टू लगा दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ रूट टू लगा दीजिएगा, यहाँ भी रूट टू लगा दीजिएगा, जिस टाइप से बाकी जो बोला जा रहा है उस टाइप से उसको लिख करके सेम कंसेप्ट पे उतार देना है, कट कॉपी पेस्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे रूट फाइव का स्क्वायर रूट फाइव हो गया तो वहाँ रूट टू बोलेगा तो रूट टू का स्क्वायर बोलेगा तो रूट टू हो जाएगा, टू हो जाएगा, है ना, उसी पैटर्न पे। चलिए अब लास्ट इसका एक लैंग्वेज हम लिख देते हैं, अब लास्ट में आपको लिख देना है, अतः यह हमारा मानना गलत है क्योंकि हमारे मानने के अनुसार P और Q में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतिरिक्त की जगह पे यहाँ पे एक अतिरिक्त, तो सर्वनिष्ठ कर दीजिएगा वहाँ पे, क्या लिख दीजिएगा, सर्वनिष्ठ कोई अभाज्य संख्या गुणनखंड नहीं है, समझ में आ गया। अतः यह संकेत करता है कि यह, मतलब जो मान्यते हैं, अतः यह संकेत करता है कि रूट फाइव एक परिमेय संख्या नहीं है, वह क्या है, अपरिमेय संख्या। तो पहले ही हम कंसेप्ट में क्लियर कर देते हैं कि रूट फाइव जो है आपका वो कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या, कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
तो दोस्तों आप समझिएगा पहले बात को, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन या 3+2, रूट फाइव, इस टाइप का कुछ भी पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन होता है, वो सारा नंबर परिमेय संख्या होता है उसको प्रूव करने बोला जाएगा। जैसे रूट टू बोला जाएगा तो उसी बैलेंस पे आप बना करके एकदम जो है उसी टाइप में इसको बना करके सॉल्व करिएगा। फिर भी हम आपको एक क्वेश्चन रूट टू का समझाते हैं। इसके बाद आपको इस पैटर्न को कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9471625602, इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, बता सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इस वीडियो में आपको किसी तरह की कोई कमी लगे तो हमें ज़रूर करके बताइएगा। और जहाँ तक हो सके दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर हम और शेयर करना हमारे मनोबल को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है। तो चलिए हम लोग इस टाइप का और एक क्वेश्चन भी चलते हैं। रूट टू एक परिमेय संख्या नहीं है बोला जा रहा है, उसको अपरिमेय संख्या, जो कि मानना भी सही है, रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अभी हम जस्ट आपको बताए थे रूट फाइव इस पैटर्न पे बनाए थे, तो रूट टू को किस टाइप से बनाएंगे, सेम चीज़ है, आपको कहीं भी कुछ अलग नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों इस बच्चे, तो इस चैप्टर को आपको इस कंसेप्ट पे कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का होता है तो उसको आपको सॉल्व कर लेना। तो चलिए हम लोग उस क्वेश्चन को समझते हैं पहले। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे एक है कि सिद्ध करेगी रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। रूट टू क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या पहले ही क्लियर है बेटा, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन ये अपरिमेय संख्या है। अभी जस्ट एक हमारा वीडियो भी चला था, उस वीडियो में भी हम बताए थे इस टाइप का रूट फाइव हो तो वो भी अपरिमेय संख्या है। इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन होता है तो बहुत ईजी वे में हम लोग बनाते हैं। तो चलिए फिर भी इस क्वेश्चन को हम लोग एक सॉल्व करते हैं। इस पैटर्न के बाद आपको कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप खुद से आप करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हम हर क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे, आपको खुद से बनाना है। हम हर चैप्टर का 6 क्वेश्चन होगा तो जरूर है उसमें से हम जो टफ क्वेश्चन होगा, जो इजी क्वेश्चन होगा, हम उस क्वेश्चन को बनाएंगे। एक इजी क्वेश्चन हम इसलिए बताएंगे कि आपको समझ में आए, और एक टफ क्वेश्चन हम इसलिए बताएंगे क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट खुद पे नहीं फेल हो कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है। तो दोनों ही टाइप का क्वेश्चन पैटर्न को हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत आसान से। चलिए तो अब यहाँ पे लिखते हैं, लिखा हुआ भी है कि रूट फाइव, रूट टू जो है एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये तो क्लियर है कंसेप्ट में ही कि रूट टू जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, सबसे पहला लैंग्वेज में लिख देना है ऐसे करके, माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या है। क्या है? माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या है। यहां तक क्लियर हो गया बात को? अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या, अब देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है। तो अब लिख दीजिए यहां पे क्या, रूट टू, और रूट टू के नीचे में यहां पे क्या छिपा हुआ रहता है, 1 होता है। तो अब रूट को हटा दीजिए, रूट को छोड़ देते हैं, तो आप बोला जाए क्या ये परिमेय संख्या है, तो बोल दीजिएगा हाँ परिमेय संख्या, क्योंकि हम रूट को तो नहीं देख रहे हैं कि सिर्फ यहाँ देख रहे हैं 2/1। लेकिन जैसे यहाँ पे रूट टू देखते थे, रूट टू देखने के बाद तो कोई भी बोल सकता है ये अपरिमेय संख्या है, हम क्लियर कर देते। और ये p/q के फॉर्म पे बैठा हुआ है, ये भी सही है, p/q के फॉर्म पे तब तो ये परिमेय संख्या है। और यहाँ पे जब बोला जाए अपरिमेय संख्या तो उसको मान लेना क्या है, उसको परिमेय बना लेना है, ठीक है। तो अब लिख देना यहाँ पे क्या कि क्यू का जो वैल्यू है वो 0 नहीं है, ये भी सही है। इस क्वेश्चन में यहाँ क्यू का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, और आप हम भी यहाँ पे लिख भी रहे हैं क्यू का वैल्यू जो है यहाँ पे 0 नहीं है। तो यहाँ तक में कहीं दिक्कत? अब उसके बाद करना क्या है, इसको लीजिए आराम से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो अब लिख दीजिएगा पी को 1 से मल्टीप्लाई करें तो पी हो जाएगा, और रूट टू को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट टू क्यू हो जाएगा, है ना। तो जब यहाँ तक हो गया तो अब लिख दीजिएगा क्या, स्क्वायरिंग ऑन दी बॉथ साइड, क्या लिख दीजिएगा, स्क्वायरिंग ऑन दी बॉथ साइड, या फिर दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर। तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्लियर हो गया बात को, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो अब क्या लिखना है, पक्ष मतलब क्या हो गया, ये एक पक्ष हो गया है, दूसरा पक्ष हो गया, मतलब ये LHS हो गया तो ये RHS हो गया, बात समझ में आया। तो अब पक्ष बोला जा रहा है तो दोनों पक्षों का यहाँ पे वर्ग करने पर, तो अब लिख दीजिएगा p² = √2q² क्लियर हो गया।
अब लिख दीजिएगा पी स्क्वायर इक्वल टू रूट टू के साथ में अभी हम बताए थे टू क्यू स्क्वायर। कैसे? अब ये समझना है कि रूट कहाँ गया, तो अभी हम फिर बता देते हैं आपको एक बार। अभी हम जस्ट क्लियर किए थे कंसेप्ट में कि रूट का जो वैल्यू होता है ये रूट होता है ना, इसी रूट का जो वैल्यू होता है पावर वन बाय टू होता है। क्या होता है? पावर वन बाय टू होता है। अब यहाँ पे क्या था? रूट टू का स्क्वायर था, मतलब क्यू का स्क्वायर होल है, तो होल मतलब दोनों में ही हो गया। तो हम रूट टू के लिए बताते हैं, यहाँ पे सिर्फ इसके लिए टू लिखे हैं, यहाँ पे तो क्यू स्क्वायर का, तो क्यू स्क्वायर लिखे ही हैं। तो रूट टू का स्क्वायर क्या होता है? ये टू का स्क्वायर लिख देना है, ये टू का स्क्वायर। अब यहाँ पे रूट है, ये रूट का वैल्यू क्या होता है? पावर वन बाय टू, पावर वन बाय टू, ये टू टू कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वैल्यू टू, तो वही टू यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। तो क्लियर हो गया आपको? जब यहाँ तक आपका क्लियर हो जाएगा तो एक लाइन में आपको यहाँ पे चूंकि लिख देना है पी स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर बाय टू इक्वल टू क्यू स्क्वायर, ये लाइन को हमको लिख देना है। बस ये टू को क्या किया? मल्टीपल्स बिकम्स क्या होता है? डिवाइड में कर दिए, तो डिवाइड में क्या हो गया? पी स्क्वायर बाय टू इक्वल टू क्यू स्क्वायर। यहाँ तक जब हो गया तो अब लिख दीजिएगा यहाँ पे क्या? पी स्क्वायर संख्या पाँच से विभाजित है तो पी भी संख्या पांच से विभाजित है। समझ में आ गया? जब यहां तक हो गया तो अब क्या लिखिएगा? माना कि मई माना कि यहाँ पे फाइव का फाइव लिख देते हैं, सॉरी माना कि पी इक्वल टू यहाँ पे आप किसका वैल्यू निकाले? टू एम। अब यहाँ पे एम के जगह पे के मान लीजिए, एन मान लीजिए, ओ मान लीजिए, जो मन करे वो मान लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखिए ये बराबर, माना कि पी बराबर टू एम के बराबर है, ठीक है? तो अब लिखिएगा यहाँ पे क्या था? क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर का वैल्यू क्या है? पी स्क्वायर का वैल्यू को क्या माने? 2m। तो आप लिख दीजिएगा 2 स्क्वायर m। अब बाय यहाँ पे क्या था? फिर 2 था, है ना? यहाँ पे 2 आपको डाल देना है स्टेप से। यहाँ पे सॉरी क्या था? हाँ 2 था, 2 उतार दिए, ठीक है? तो अब लिख दे रहा है यहाँ पे क्या? क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4m बाय 2, ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो गया? 2m हो गया। क्या हो गया? 2m। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा q स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू m, q स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू m, ये 2 क्या किया? मल्टीपल बिकम्स क्या हो गया? डिवाइड हो गया। यहाँ तक अब लैंग्वेज में आपको लिख देना है क्या? तब क्यू पास क्यू 2 से विभाजित है तो क्यू स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगी, होगा, जो भी बोल सकते हैं, हो गया तक। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या। तो लैंग्वेज तो वही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। तब q 2 से भी विभाजित है, यहाँ पे 2 से भी विभाजित है, इसलिए q स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। क्लियर हो गया? अब देखते हैं यहाँ पे लैंग्वेज क्या है। अतः यह विरोधाभास है, क्योंकि हमारा मानने के अनुसार है ना, क्योंकि हमारे मानने के अनुसार P और Q में एक के अतिरिक्त, जस्ट सेम लैंग्वेज है ना, एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः यह संकेत करता है कि रूट टू परिमेय संख्या नहीं है। अतः रूट टू क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इस पैटर्न का क्वेश्चन अब रूट टू रहे, रूट थ्री रहे, रूट फाइव रहे, रूट सेवन रहे, इस पैटर्न का कोई भी बेटा कोई क्वेश्चन हो
तो बहुत ही इजी से हम लोग बनाएंगे सेम पैटर्न पे, सेम क्वेश्चन के टॉपिक पे। अब एक क्वेश्चन होगा जब उसमें ये बोला जाए 3+2 या 2+2√2 इस टाइप, या 3+2√2, 3+2, 3+3√3 इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन इस पैटर्न का होता है, तो वैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये तो सिंगल नंबर का था तो हम लोग प्रूव करते हुए आ गए। अब जो वो जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं तो समझिए पहले बात को। तो दोस्तों क्या करना है आपको, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर आप कमेंट करके हमें बताइएगा। अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में इस पैटर्न का, तब डॉक्टर केसी सुन्ना का चैप्टर मतलब एक्सरसाइज 1.3 जो है कंप्लीट हो जाएगा।